के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। हर साल छात्रों की संख्या में गिरावट आ रही है। संस्कृत को बढ़ावा देने के मकसद से चल रहे प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय के दिन फिरने के नाम नहीं ले रहे हैं। 20 साल पुरानी राजस्थान की एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी हर साल छात्रों की कमी की समस्या से जूझती है। एक समय मेरिट के आधार पर प्रवेश देने वाली इस यूनिवर्सिटी में अब हालात ये हैं कि यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों की 50% से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का कहना है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की कमी एक बड़ी समस्या है, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी को अन्य विषयों से जोड़कर दाखिले बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। 20 साल पुरानी संस्कृत यूनिवर्सिटी को विद्यार्थियों का इंतजार। हर साल विद्यार्थियों की संख्या होती जा रही है कम। यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों में 1295 सीट, इनमें से सिर्फ 380 सीटों पर विद्यार्थी अध्ययनरत। विभिन्न विभागों की 50% से ज्यादा सीटें खाली। शिक्षकों के भी 44 में से 22 पद खाली। न्यू वाइस चांसलर जो मैंने कहा है वो अब आने वाले समय में आपको लैंग्वेजेस में भी आप एमए करिए, दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ाइए, ये तो वो कहीं ध्यान नहीं दिया गया। वो समझते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय का मतलब संस्कृत ही पढ़ाओ बस, ऐसा नहीं है। आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाइए, आइसोलेशन में रख के कोई भी इंस्टीट्यूशन वो डेवलप नहीं होगा। जयपुर में स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में करीब एक साल पहले कुलपति अनुला मौर्य ने पदभार संभाला था। पदभार संभालने के साथ ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और जर्मन और पत्रकारिता के डिप्लोमा कोर्सेज, अंबेडकर, गांधी और महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। लेकिन 245 सीटों वाली इस यूनिवर्सिटी में महज 380 सीटों पर ही विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। न ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधाएं हैं, न छात्रों के और कोई लोग लुभावनी कोई योजनाएं हैं जो संस्कृत को लेकर छात्रों का रुझान संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ बढ़े, संस्कृत को पढ़ने में रुचि दिखाए। यूनिवर्सिटी में इस साल आवेदन की बात की जाए तो महज 3 विभागों में विद्यार्थियों ने रुचि दिखाई है। दूसरे विषयों में आवेदन की स्थिति बहुत ही खराब है। दर्शन विभाग की 100 सीटों पर महज एक आवेदन मिला, तो वहीं जैन दर्शन में भी एक ही आवेदन मिला। साथ ही वास्तु और ज्योतिष की 50-50 सीटों पर एक एक आवेदन प्राप्त हुआ है। छात्र नेताओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों की कमी की सबसे बड़ी वजह है शहर से यूनिवर्सिटी का काफी दूर होना। आज मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के लिए विभिन्न सुविधाओं का प्रावधान किया जाए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था या छात्रों को विश्वविद्यालय तक पहुँचने तक काफ़ी समस्याएं होती है, जैसे कि यहाँ भाकरोटा से लेके मुहाना तक कोई भी साधन की व्यवस्था नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसपोर्ट के रूट नंबर बस नहीं चलती है। अपनी बदहाली के लिए आंसू बहा रही इस यूनिवर्सिटी के हालात सुधारने के लिए हर सरकार दावे करती है, लेकिन धरातल पर कोई काम नजर नहीं आता। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर।